कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए फिल्म स्टार सोनू सूद लगातार हाथ बढ़ा रहे हैं और मदद मिलने वाले लोग उन्हें दुआओं के साथ भगवान का दर्जा भी दे रहे हैं। गाजियाबाद के एक परिवार के लिए सोनू सूद फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। दरअसल गाजियाबाद में लोहिया नगर की रहने वाली विजेंद्र कौर नेशनल लेवल की कराटे चैंपियन है। वो MMH कॉलेज में BSc अंतिम वर्ष की छात्रा हैं और एक स्कूल में बच्चों को कराटे सिखाती है। जनवरी में खेल की प्रैक्टिस के दौरान उनके घुटने में चोट आ गई थी। चोट गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने सर्जरी कराने के लिए कहा था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह सर्जरी नहीं करवा पा रही थी। 10 दिन पहले उनकी सहेली अंजलि बिष्ट ने सोनू सूद को टैग करते हुए ट्वीट किया और विजेंद्र की परेशानी के बारे में बताते हुए मदद मांगी। 2 दिन बाद सोनू सूद ने ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए आर्थिक हालातों से इलाज न करा पाने से एक निराश प्लेयर को मदद का भरोसा दिया था, जिसे उन्होंने पूरा भी किया है। दरअसल सोनू सूद ने प्लेयर की फ्रेंड के मदद मांगे जाने वाले ट्वीट को रीट्वीट किया और लिखा कि तुम दोबारा खेलोगी, रिपोर्ट साझा कर दी गई है, एक सप्ताह में तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ मेरे दोस्त। इसके बाद एक हफ्ते में ही मंगलवार दोपहर को विजेंद्र कौर की घुटने की सर्जरी हो गई। गाजियाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में सोनू सूद की मदद से विजेंद्र कौर की सर्जरी हो गई है। सर्जरी के बाद जब कराटे चैंपियन विजेंद्र कौर से हमने बात की तो बेहद भावुक नजर आई और अभिनेता सोनू सूद का मदद के लिए आभार भी जताया। उसने बताया कि सोनू सूद उसके लिए भगवान का एक रूप है जिन्होंने उसकी मदद की। जनवरी में घुटने में मैं ट्रेनिंग कर रही थी, उस टाइम पे झटका आ गया था, तो उस टाइम पे मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया, मुझे लगा कि नॉर्मल ही है। लेकिन जब मैंने जुलाई में इसकी MRI कराई तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि मेरे हाई ग्रेड ACL टीयर है, लिगामेंट मेरा एक ब्रेक है। तो उस टाइम पे फिर जब मैंने और हॉस्पिटल्स में दिखाया तो मेरे को उसका मतलब जो ट्रीटमेंट का खर्चा था वो सारा उन्होंने काफ़ी महंगा कॉस्ट बताया, जो मैं नहीं कर सकती थी, मेरे घर वाले नहीं करवा सकते थे इतना महंगा। तो मैंने ट्वीट किया सोनू सर को, मेरी दोस्त ने अपनी ID से ट्वीट किया सोनू सर को, तो उन्होंने मतलब 2 दिन बाद ही उनका रिट्वीट आ गया और उन्होंने बोला, मेरे को गोविंद अग्रवाल सर का फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने मुझे बोला, सारा डिटेल लिया, सारी रिपोर्ट्स दी और उन्होंने मुझे बोला कि आपकी मतलब 1 वीक के अंदर अंदर आपकी सर्जरी हो जाएगी। और फिर मेरे को सर का नंबर दिया, डॉक्टर अखिलेश यादव सर है जिन्होंने मेरी सर्जरी की है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने मेरी सर्जरी की, बिल्कुल बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और मैं हीलिंग ट्री हॉस्पिटल में हूँ उस टाइम पे, वहीं मेरी सर्जरी हुई है और इतना अच्छा स्टाफ है यहाँ पे और डॉक्टर सर इतने अच्छे हैं कि मैं हार्डली उनका थैंक यू करूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। कि जब मेरी सर्जरी हुई थी तो मेरे को बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मतलब मेरी सर्जरी हो रही है, या मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा बिल्कुल भी, और अब भी मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ अपने आप को। सोनू जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सोनू सर के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वो मेरे लिए भगवान के रूप में आए हैं। माँ कहती हैं कि भगवान होते हैं, लेकिन मुझे पता चला कि भगवान होते हैं सोनू सर जैसे रूप में होते हैं भगवान। हार्टली थैंक यू सर को, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से सुरेंद्र कौर अपनी बेटी की सर्जरी नहीं करवा पा रही थी। सर्जरी के बाद बात करते हुए विजेंद्र की माँ बेहद भावुक हो गई। सोनू सूद का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि सर्जरी कराना नामुमकिन लगने लगा था। प्लेयर की माँ विजेंद्र कौर का कहना है कि सोनू सूद को वो अब अपना बेटा मानती है। मेरा तो बहुत उम्मीद छोड़ रखी थी, जब हमने हॉस्पिटल में चेकअप करवाने गए तो वहाँ पर MRI हुआ, तब हमें पता लगा कि इसका लिगामेंट टूटी हुई है, तो हमने तो बिल्कुल टूट गए थे, तो इसलिए मेरे पास कोई और नहीं, तो फिर आगे इसलिए कैसे? हमारे सोनू सर आए हमारे जिंदगी में, मेरे लड़की उन्होंने करवाया, फिर अब मैं बहुत बेहतर। सोनू सूद जी ने जैसे लगातार कोरोना काल था और हाँ जी बहुत सारे लोगों की हेल्प की, लोगों को अपने घर भिजवाया, हमें नहीं पता था उनके बारे में कि सर मदद करेंगे। फिर उसके बाद में हमने लड़की को कहे कि आप उसको ट्वीट करके देखो, तो इन्होंने करी, उन्होंने हेल्प करी हमारे लड़की को, धन्यवाद करना चाहेंगे आप। हाँ जी उनको यानी अपने सही दिल से मैं अपनी बेटा मानती हूँ। वही सर्जरी करने वाले डॉक्टर अखिलेश यादव का कहना है कि सोनू सूद ने उन्हें फोन पर बात कर विजेंद्र की सर्जरी कर उसकी मदद करने को कहा। सोनू सूद खुद लोगों की खूब मदद कर रहे हैं, ऐसे में उनके फोन के बाद वो भी प्लेयर की मदद और उसकी निशुल्क सर्जरी के लिए तैयार हो गए।
सर्जरी कामयाब रही है, विजेंदर एक दो दिन में सपोर्ट लेकर खड़ी हो सकेंगी, 4 हफ्ते में चल फिर सकेंगी, 5 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बच्ची मेरे पास आई थी विजेंदर कौर, ये गाजियाबाद की रहने वाली है, 18 साल की है और नेशनल लेवल की कराटे चैंपियन है। इसको इंजरी हुई थी जनवरी में, जब वो ट्रेनिंग कर रही थी तो उसको लगा कि ये शायद छोटी मोटी चोट है तो अपना खुद ही करती रही, लेकिन जब प्रॉब्लम बढ़ गई, लचक आने लगी, पेन बढ़ गया तो उसने डॉक्टरों को दिखाना शुरू किया। डॉक्टर लोगों ने देखा, बोला भाई तुम्हें तो ACL टेयर है, तुम्हारी सर्जरी होगी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो कहीं प्राइवेट में इलाज करवा पाए। फिर वो गई सरकारी में और वहाँ पे भी उसको नेशनल सर्टिफिकेट होते हुए भी कोई राहत नहीं मिली। तो फिर वो सोनू सूद को उन्होंने ट्विटर पे कांटेक्ट किया, सोनू भाई ने मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसी एक बच्ची है, गरीब है और उसकी सर्जरी करनी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, दैट्स फाइन, क्योंकि वो इतना नेक काम कर रहे हैं तो हम लोग भी उसमें योगदान देंगे तो हमारा भी सौभाग्य है। और इस तरीके से करीब सैटरडे को वो मुझे मिली और हमने फिर मंगलवार को यानी कल इसकी सर्जरी करी और बहुत बढ़िया सर्जरी हो गई है। बहुत ही आज हम उसको खड़ा कर देंगे और बहुत ही जल्दी वो वापस अपने स्पोर्ट्स में आ जाएगी। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद न केवल रील बल्कि रियल लाइफ में भी सुपरस्टार है, ये इस घटना से दोबारा साबित हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।